लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए जय अखम। भूपेश बघेल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, प्रखंतो साइकिया जी, शांतनु शर्मा जी, श्रीनिवास जी, रॉकी बोल हसन जी, तपन शर्मा जी, महिला मंडल, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के भाई और बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी धूप में आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक नारा लगाया, जय आए अखम। अखम किसका है, जोर से बोलिए। अखम की नदियां किसकी हैं, यहां की जमीन किसकी है, यहां का अस्तित्व किसका है, इसको बचाने वाला कौन है? आप हैं। ये चुनाव असम को बचाने वाला चुनाव है। जो भाजपा की सरकार आई है उसने सिर्फ ऐसी नीतियां आपके सामने पेश किए हैं जिससे असम टूटेगा, जिससे असम आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? आप इनकी नीतियों को देखिए, ध्यान करिए इन पर। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या की, का कानून लाए। का कानून आया, असम में आग जली। जब असम में आग जली तो ये जो नेता अभी आपके सामने आ रहे हैं मंच पर, ये जो नेता चुनाव के समय आपके सामने आकर आपको बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये कहां थे? क्या प्रधानमंत्री जी यहां आए? क्या उन्होंने आपसे पूछा कि आपके मन में क्या है, आप अपने असम के लिए क्या चाहते हैं? क्या उन्होंने आपसे पूछा कि अखम जल क्यों रहा है? क्योंकि उन्होंने ये कानून बनाया। आपके प्रदेश में आज भी चुनाव सभाओं में का की बात करते हैं, नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं है। लेकिन उसी समय जब यहां का चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, बंगाल के चुनाव में क्या कह रहे हैं? बंगाल के चुनाव में का की बात कर रहे हैं? बंगाल के चुनाव में कह रहे हैं कि जल्द ही जल्द का लागू होगा बंगाल में। यहां आकर चुप, बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसी नीतियां हैं इनकी। इनके पूरे शासनकाल में सिर्फ ऐसी नीतियां रही हैं जिससे आपका नुकसान होगा। मैंने नदियों की बात की, मैंने जमीन की बात की। क्यों की? क्यों कहा कि यह जमीन आपकी है, यह नदी आपकी है? क्योंकि आज जो भी अखम की संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, सब इस सरकार के बड़े बड़े दोस्तों को बेची जा रही है। आपका एयरपोर्ट था, आपकी शान थी, आप लोगों ने बनाया उसको, सरकार के पैसों से बनाया गया, आज प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र को बेचा गया है। कल मैं ONGC में थी, ऊपर लिखा था असम एसेट ONGC। ONGC को बेचने की साजिश हो रही है, यहाँ की ऑयल फील्ड्स बेचने की साजिश हो रही है, यहाँ की रिफाइनरीज बेचना चाहते हैं, यहाँ की जमीन बेचना चाहते हैं। काजीरंगा के पास, एलिफेंट रिजर्व के पास एक जमीन थी, किसानों की जमीन थी, उसकी साजिश बनाई जा रही है कि वो भी बेची जाएगी। नगांव में भी जमीन को बेचने की कोशिश की, किसानों ने आंदोलन किया, मेरी बहनें सड़क पे निकली, उन्होंने कहा हम नहीं बेचने देंगे हमारी जमीन। क्या किया इस सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने, जो आपसे बड़े बड़े वादे करती है कि आपकी अस्मिता, आपकी संस्कृति को बचाएगी? क्या किया? पीटा आपको, किसानों को मारा, गर्भवती महिला को पीटा, महिलाओं को पीटा, क्योंकि आपके अस्तित्व की कोई परवाह नहीं है इन्हें।
आपकी संपत्ति की परवाह सिर्फ इसलिए है कि अपने मित्रों को बेचेंगे। यहां के विकास के लिए जितने भी वादे इन लोगों ने किए, एक एक करके इन्होंने ये वादे तोड़े हैं। 25 लाख रोजगार देने का किसने वादा किया था? मेरे सामने तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं। क्या आपको रोजगार दिया है? भाजपा ने दिया है? 25 लाख रोजगार कहे थे, आज आपको मालूम है कितने लोग, कितने नौजवान बेरोजगार हैं असम में? 40 लाख बेरोजगार नौजवान हैं। आपको वादा किया था कि जो श्रमिक चाय के बगानों में काम करते हैं उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। बोला था 351 रुपए का वेतन होगा, क्या हुआ? बढ़ाया? 5 साल निकल गए हैं, इनकी हिम्मत है कि इनके प्रधानमंत्री मंच पर आकर आपसे फिर से वो वादा कर रहे हैं? कह रहे हैं हम आपका वेतन बढ़ाएंगे, आपके लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे। मैं चाय के बगान में गई, मुझे क्या मिला? महिलाओं ने मुझे बताया टॉयलेट नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है। एक दिन के लिए अगर हम बगान नहीं जाते हमारे परिवार का एक ना एक सदस्य भूखा सोता है। तो क्या किया इस सरकार ने जिसने बड़े वादे किए थे? जब कांग्रेस कहती है कि 365 रुपए का आपका कि आपकी दिहाड़ी बनाएगी, हवा में नहीं कहती, सोच समझ के कह रही है। पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टडी किया है, उसको देखा है, समझे हैं किस तरह से करेंगे। हम भी चाय के उद्योगपतियों को नहीं मार के करेंगे, हम मदद करेंगे ताकि जो आपको चाय के बगानों में मिल रहा है उसके साथ साथ सरकार कुछ देगी आपको। इन्होंने क्या किया? चुनाव आ रहा है, 2-3 हफ्ते पहले बोल दिया कि हम बढ़ा रहे हैं वेतन। कितना? 50 रुपए। फिर क्या किया? पीछे से जाके साजिश की, चाय के बगानों के मालिकों से कहा कि तुम अदालत में चले जाओ, रुकवा दो, लटका दो इसको। हम बोल देंगे पब्लिक को कि लटक गया, अदालत में है, अब हम क्या करें, हाथ ऊपर उठा लेंगे। ये साजिश की है इन्होंने। इनकी मकसद ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, जनता की भलाई नहीं चाहते, अपनी भलाई चाहते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने असम को बर्बाद किया। अच्छा, तो तरुण गगोई जी कौन थे? कौन थे? भाजपा के थे क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता थे? कौन सी पार्टी के नेता थे? उसी पार्टी के नेता थे जिस पार्टी ने आपको विकास दिलवाया। जो आज असम में है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की नेताओं ने मेहनत करके दिया है और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर किया है। ये सब संपत्ति आपने बनाई है, आपके साथ खड़े होकर कांग्रेस ने किया है। आपका विभाजन कभी करने की साजिश नहीं की, आपके पीठ के पीछे बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ कभी साजिश नहीं की, आपकी भलाई देखी है। आपने विश्वास कांग्रेस में किया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बेशक कुछ गलती की होगी कि पिछले चुनाव में हार गए, लेकिन अब आपने 5 सालों के लिए भाजपा को परखा है ना, देख लिया है ना। जब वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी पार्टी के दो दो गुट बने हुए हैं, अपनी पार्टी में दो ऐसे नेता हैं जिनकी बनती नहीं है, प्रदेश में ऐसे लगता है कि 2 मुख्यमंत्री हैं और उन दोनों मुख्यमंत्री का जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली में है, तो असम के अस्तित्व को क्या हुआ? जब अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे, अपनी पार्टी को स्थिर नहीं रख पाएंगे, तो असम को स्थिर कैसे रखेंगे? जो पार्टी इनके साथ मिलती है उसको खत्म कर देते हैं। एजीपी को देखिए, असम का हाथी आज भीगी बिल्ली की तरह है। भाजपा का यही जादू है,
जो इनसे मिलता है, जो इनका समर्थन कर रहा है, करता है, उसको कमजोर करते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है। उनका जो नजरिया है एक तंग नजरिया है, उन्होंने हमेशा एक नजरिए से इस देश को देखा है और सिर्फ सत्ता चाहते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। पिछले चुनाव से पहले जब इन्होंने चार्जशीट बनाई थी, उस चार्जशीट पे किस नेता का नाम लिखा था? उस समय कांग्रेस पार्टी में थे वो। आज वही नेता जिनके बारे में भाजपा आरोप लगाती थी, आज वही नेता इनके मंच को शोभा दे रहा है। तब इन्हें कोई समस्या नहीं हुई, कोई नैतिक समस्या नहीं थी, देशभक्ति की बात नहीं सूझी इन्हें। जिस समय इनको सत्ता दिख रही थी तो सब कुछ कर लिया, आज भी वही कर रहे हैं। आज भी ये सत्ता के लिए आपको बेच डालेंगे, असम को बेच डालेंगे। इनको रोकने का काम आपका काम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोच समझ के इसको निभाइए। जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, मन में ये बात रखिए कि ये वोट कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, भाजपा के लिए नहीं है, ये असम के लिए आप वोट दे रहे हैं। अपने असम को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को मजबूत रखने के लिए ये वोट आप कांग्रेस पार्टी को दीजिए। क्योंकि अगर आपने गलती से इनको एक बार और जिताया तो आप देख लीजिए जो देश के साथ कर रहे हैं, असम के साथ करेंगे। 5 साल में आपने देख लिया है, एक भी वादा नहीं रखा। का को लागू किया, आपके समाज के विभाजन की तैयारी की, सिर्फ अपनी सत्ता देखी। आने वाले 5 सालों में बदलने नहीं वाले हैं, और भी बिगड़ेंगे, और भी मजबूत बनाओगे आप, और भी नुकसान करेंगे। अपने प्रदेश को बचाओ, अपना भविष्य बनाओ और सोच समझ के अपना वोट डालो। यही मेरा आग्रह है, इसीलिए मैं दिल्ली से आई, ताकि मैं आप सबको ये बात कह सकूं कि आपकी सच्चाई, आपकी सच्चाई, आपका जीवन, आपका अनुभव, आपका जीवन, आपकी सच्चाई, आपका अनुभव आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है। इसे पहचानिए और कांग्रेस को विजयी बनाइए। एक बार फिर जय आई अखम, जय आई अखम, जय आई अखम। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मैं भूल गई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है? नहीं, क्या 5 गारंटी? अब जल्दी जल्दी 5 गारंटी सुन लीजिए। पहली गारंटी कि चाय के बगानों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए 365 रुपए की दिहाड़ी। दूसरी गारंटी, जो गृहस्थ महिला है उसके लिए 2,000 रुपए डायरेक्ट उसके अकाउंट में आएंगे हर महीने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को पहचानती है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है कि महिला मजबूत बने, और पहचानती है कि जो आप घर में काम करते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण समाज को बनाने का काम है। तीसरी गारंटी, का को कभी लागू नहीं होने देंगे। चौथा गारंटी, 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त हर महीने मिलेगी। इससे 1200 रुपए की बचत, या 1400 से 1400 रुपए की आपकी बचत होगी। और पांचवा गारंटी, 5 लाख नौकरी आपको 5 साल में दिलवाएंगे। 5 लाख क्यों? क्योंकि ये काम हम कर सकते हैं। हम झूठा वादा नहीं कर रहे हैं कि हम 25 लाख नौकरी देंगे, कोई भी कह सकता है। हम सच्चा गारंटी दे रहे हैं कि 5 लाख नौकरी आपको मिलेगी।
तो ये पांच गारंटी है, मन में रखिए। आप कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, तो ये आपको गारंटी है कि आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।